हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आप बहुत 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 बेहतरीन चीज जानने वाले हैं, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो कई बार हम लोगों को पैलिंड्रोमिक का मतलब ही नहीं पता होता, और हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो देखिए, सबसे पहले बहुत आराम से छोटी सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक एक डाउट आपका क्लियर करवा देंगे। तो आइए सबसे पहले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब जानते हैं, उसके बाद इसमें डीएनए का क्या रोल होता है उसको बड़े आराम से हम लोग समझेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम क्या है कि आइए हम जानते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो पैलिंड्रोमिक जो हमारा सीक्वेंस है, इसका मतलब होता है कि अ पैलिंड्रोम, देखिए क्या लिखा है, अ पैलिंड्रोम इज अ सेंटेंस दैट दैट क्या है, दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस या वर्ड हो जिसको आप चाहे आगे से पढ़ें और चाहे पीछे से पढ़ें, उसका जो प्रोनंसिएशन है वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे देखिए, हमने आपके लिए कुछ वर्ड काट के रखा है। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, सबसे पहला वर्ड है मैडम। देखिए क्या है, मैडम, देखिए MADAM, देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, MADAM, चाहे इधर से देखिए MADAM, तो मैडम जी जो हमारी हैं वो सेम सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और है हमारा, दूसरा क्या है, लेबल, LEVEL या LEVEL। तो हमको ऐसा लग रहा होगा कि आपको पैलिंड्रोम का मतलब क्लियर हो रहा होगा कि आप लोग चाहे स्टार्टिंग से पढ़ें चाहे एंड से पढ़ें, उसका जो दोनों लेटर है वो सेम आना चाहिए। या तीसरा देखिए मलयालम, अब देखिए मलयालम क्या है, MALAYALAM, और चाहे उधर से आप पढ़ते हुए चले आइए तो उसका प्रोनंसिएशन जो है वो तीनों का सेम सेम ही होगा। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं कि हमारा पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, द डीएनए ऑफ सेवरल यूकैरियोट है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मेनली आपको ये जानना है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोट में ही हमको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको यूकैरियोट का मतलब नहीं पता तो हम क्लियर करवा दें कि जो हमारे हाइयर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जैसे जिनके अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, जो मल्टी सेलुलर है, उनको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोट हमारा वेल डेवलप सेल होता है, जबकि जो सेल कम डेवलपमेंट वाला होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो कि वायरस या बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब देखिए क्या है, इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारे डीएनए में कैसे लग रहा है कि हमको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, मतलब एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्या करती हैं कि डीएनए में बेस पेयर के रूप में प्रेजेंट रहती हैं, और मोस्टली 3 to 10 बेस पेयर एक मतलब स्ट्रैंड में उसके पाया जाता है, जो कि डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड होता है। तो इसको पहली बार खोज किसने किया था, 1974 में विल्सन एंड थॉमस जी ने इसको खोजा था। और वही न्यूक्लियोटाइड चाहे आप आगे से देखते हुए चले जाइए और चाहे आप पीछे से देखते हुए चले जाइए, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसको आप लोग चाहे स्टार्टिंग से देखिए, यहाँ पे AATT है, और चाहे इधर से आइए AATT है। एक चीज आपको और भी जानना जरूरी है कि ए का टी के साथ होगा, मतलब एडिनिन हमेशा थाइमिन के सामने रहता है, और जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के सामने रहता है। तो देखिए, ए के सामने टी है, मतलब एडिनिन के सामने थाइमिन, अग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से आइए, यही कुल मिला के आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। बस आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा कि ए मतलब दो बार एडिनिन आएगा, इसके बीच में देखिए जो बॉन्ड है न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड लगा है तो कुछ इसी प्रकार से है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए यहाँ लिखा है 3 से 10 बेस पेयर में प्रेजेंट होता है, तो 10 नंबर में यहाँ प्रेजेंट है। तो हमको लग रहा है कि सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं और आपको बड़े आराम से समझ में भी आ गए होंगे। तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका कोई भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो इसी तरह की बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।